आज का टॉपिक मैट्रिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे हम लोग बात करेंगे, जैसा कि टॉपिक का नाम यहाँ पे लिखा है, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये एक पूरा एक सेक्शन है और लगभग जो भी अच्छे लेवल के एग्जाम है वहाँ पर एक क्वेश्चन कम से कम यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। और इसको दो तरीके से करने के मेथड हैं, वो दोनों मेथड हम लोग सीखेंगे। और इस जो यहाँ पे स्टेटमेंट या जो भी डेफिनेट ये प्रॉपर वर्ड लिए गए हैं, इन वर्ड्स का क्या मतलब है, उनको भी प्रॉपर हम लोग सीखेंगे। एक और बात कि बहुत सारे लोगों ने डिमांड की है कि क्वेश्चंस अभी नहीं कराए जा रहे, तो क्वेश्चंस हम लोग अभी पूरे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उस लेवल पे जो आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर इक्वेशन, इस वर्ड का मतलब समझते हैं। लीनियर इक्वेशन वो सारी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल यूज किए गए हो उनकी डिग्री क्या हो, वन, क्या हो, वन। एग्जाम्पल में x प्लस टू बराबर जीरो, टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर जीरो, एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड बराबर जीरो, एक्स प्लस वाई बराबर टू, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड बराबर फाइव। ये सारे एग्जाम्पल्स लीनियर इक्वेशंस के, सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, ये सब इक्वेशंस हैं। यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स एंड वाई है, यहाँ एक्स वाई जेड है, यहाँ एक्स और वाई है, यहाँ एक्स वाई जेड है। सबकी पावर क्या है, वन है। तो ये सारी इक्वेशंस कैसी हैं, लीनियर। अब जैसे ऐसे टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जेड स्क्वायर बराबर टू, तो सारे टर्म्स को ऑब्जर्व करिए, तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, वन, यहाँ डिग्री, डिग्री का मतलब है कि वेरिएबल की पावर। तो यहाँ वेरिएबल टू है या एक्स, बोलो एक्स की पावर कितना है, ओके, वाई की पावर, ओके, जेड की पावर, ओके या नॉट ओके, इसकी वजह से सारा क्या हो गया, ठीक है। एक फैमिली में सारे लोग बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, एक बंदा टेररिस्ट बन गया, बोले ओके या नॉट ओके, उस बंदे के लिए या पूरी फैमिली के लिए, पूरी फैमिली के लिए होगा कि नहीं, हाँ। तो ये क्या हो गया, नॉन लीनियर, क्या है ये, इस इक्वेशन। तो मुझे लगता है कि इन सारे एग्जांपल से आप सीख गए होंगे कि लीनियर इक्वेशंस कौन होती हैं और लीनियर इक्वेशन कौन नहीं होती हैं, ठीक है। इतनी बात समझ गए कि नहीं, ठीक। साइमल्टेनियस, इस वर्ड का मतलब समझते हैं, साइमल्टेनियस, इस वर्ड का मतलब समझते हैं, आप लोग जानते हैं साइमल्टेनियस, बोलिए, है? जैसे हम लोग सपोज खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो जब खाना खाते हैं केवल रोटी खाते हैं या सब्जी दाल खाते हैं या सारी चीज़ें खाते हैं, एकदम सारी चीज़ें रख लेते हैं, शटर खोला लगा के रख दिया, ऐसा तो नहीं है। हमारी प्लेट्स में काफ़ी चीज़ें होती हैं, बट हम लोग क्या है, सबको खाते हैं बट एक साथ नहीं खाते हैं, ठीक है। इस वाले कुछ लिया, इससे लिया, इससे लिया, तो बारी बारी से लगातार काम होता रहे, एक के बाद एक काम सारे करने हैं, और करने क्या हैं, एक के बाद एक। जब बहुत सारी जॉब्स हों, वन बाई वन आप क्या लगातार काम करते जा रहे हैं, इसको बोल रहे हैं क्या, साइमल्टेनियस, समझ रहे कि नहीं। एक साथ का मतलब है, एक साथ बोल रहे हैं, और एक साथ का मतलब क्या, वन बाई वन, ठीक। जैसे हम लोग क्लास में हैं, तो क्लास में आप कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो सबको एक साथ बताने लगे कि वन बाई वन, हाँ, ठीक। तो साइमल्टेनियस का मतलब है वन बाई वन। लीनियर इक्वेशन, उन लीनियर इक्वेशन में सबको क्या करेंगे, वन बाई वन। सिस्टम, सिस्टम का मतलब है कि एक से ज़्यादा, सिस्टम का मतलब एक से ज़्यादा। जैसे कि आप क्लास, तो क्लास का सिस्टम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एक स्टूडेंट है या बहुत सारे, हाँ, ठीक है।
आप मूवी देखने जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई सिस्टम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब कभी भी शो शुरू हो गया कभी ख़त्म हो गया, ऐसे हो पाएगा? बोलिए, ट्रेन कभी भी जा रही कभी आ रही, आप गए भाग के पकड़ ली, किसी दिन आई नहीं, बोलिए। तो बहुत सारी ट्रेनें हैं तब सिस्टम की बात आएगी, कोई एक है, बहुत सारी हैं तो आपको पता करना पड़ता कौन किसकी कब आनी ना। तो जब कई एक से ज़्यादा, जब क्या हो जाए एक से ज़्यादा, तो यहाँ पर सिस्टम आप लीनियर इक्वेशन का मतलब है एक से ज़्यादा इक्वेशंस दी गई, क्या ली गई, ओके, और वो बारी बारी से कंसीडर की जाएंगी। तो एग्जांपल में ए वन एक्स बी वन वाई सी वन जेड बराबर डी वन, ए टू एक्स बी टू वाई सी टू जेड बराबर डी टू, ए थ्री एक्स बी थ्री वाई सी थ्री जेड बराबर डी थ्री। तो देखो यहाँ पे एक से ज़्यादा इक्वेशंस ली गई हैं, सारी कैसी हैं, लीनियर हैं, और इनको वन बाई वन कंसीडर करेंगे, करना सभी को है। तो ये क्या है, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इतनी बात समझ आएगी नहीं? अब हम लोग ये वर्ड और मतलब समझते हैं यहीं पर, होमोजीनियस, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, ठीक है। जो जो वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं सबसे पहले हमें उनका मतलब समझना है। अब होमोजीनियस का मतलब वो लिखेगा कि सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियसली होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, किस वर्ड को यूज़ बढ़ा देगा, उस वाले स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट और बढ़ जाएगा, प्लस ऐड हो जाएगा कि वो कैसी है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ये वाला वर्ड यूज हो गया तो क्या, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो होमोजीनियस कम होगी जब अगर ऐसे सिस्टम को कंसीडर किया गया, डी वन बराबर डी टू बराबर डी थ्री बराबर क्या हो, जीरो। एग्जांपल में एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड बराबर जीरो, टू एक्स माइनस वाई प्लस फोर जेड बराबर जीरो, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर जीरो। यहाँ देखिए जो इक्वल के इधर कांस्टेंट लिए गए तो उनकी कांस्टेंट की वैल्यू क्या कर ली गई, जब सारे कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, तो वो कैसी होगी, होमोजीनियस की नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस। समझ आई बात की नहीं? एग्जांपल में सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, क्या है। अब यहाँ पे डी वन डी टू डी थ्री सारे नॉन जीरो हो कि सारे जीरो ना हो, बताइए, बोलो, सारे नॉन जीरो हो, मतलब सबकी वैल्यू जीरो ना हो, बोलिए, हाँ, मतलब ऐसा होने के लिए सबको जीरो होना पड़ेगा कि नहीं, बोलो, होमोजीनियस होने के लिए सबको जीरो होना पड़ेगा, या मान लो दो की वैल्यू जीरो हो जाएगी एक की ना हुई तो होमोजीनियस होगा, होमोजीनियस कब होगा, जब सब जीरो हो जाए, और सब जीरो हो जाए उसका उल्टा कब होगा, भाई उसने बोला कि सारे पास नहीं हुए, इसका मतलब क्या है, सारे फेल हो गए, इस स्टेटमेंट मतलब समझिए, उसने कहा कि जितने भी स्टूडेंट थे सारे पास नहीं हुए, इसका क्या मतलब है, सारे फेल हैं, मेरी बात समझ रहे कि नहीं। आंसर आपके सामने है कि सारे पास नहीं हुए, इसका मतलब है कि एक दो तीन, ठीक है, कम से कम एक क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वन डी टू डी थ्री एटलीस्ट वन क्या हो, नॉन जीरो, क्या हो जाए, कम से कम एक इसमें नॉन जीरो हो। एग्जाम्पल में एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड बराबर जीरो, एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर वन, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड बराबर टू, ये भी होगा। आपने ऐसा कर दिया एक्स प्लस वाई बराबर जीरो, एक्स प्लस टू वाई बराबर टू, ये भी नॉन होमोजीनियस है। आपने ले लिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो, एक्स वाई माइनस टू जेड बराबर जीरो, और एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड बराबर वन, तो ये सारे होमोजीनियस ही नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं क्या, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, ये एग्जाम्पल है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। यहाँ पे सारे कांस्टेंट क्या होने चाहिए, मस्ट भी जीरो, और यहाँ कम से कम एक नॉन जीरो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ब्रीफ डिस्कशन किया कि लीनियर इक्वेशन किसको बोल रहे हैं, साइमल्टेनियस वर्ड का क्या मतलब है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम का क्या मतलब है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस क्या होते हैं, ठीक है। इन्हीं कैटेगरी में हम लोग लीनियर इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, ठीक।
होमोजेनियस कैटेगरी एक अलग है और नॉन होमोजेनियस कैटेगरी अलग है। इतनी बात क्लियर हुई? कोई डाउट किसी को भी प्रश्न? तुम्हें समस्या कोई? क्या नाम है तुम्हारा? अभय। ठीक, कोई समस्या अभी तक? वेरी गुड, कोई समस्या हो पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है ये हमने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे सोल्यूशन कैसे निकालेंगे और क्या होते हैं। ठीक है, बात मेरी समझ रहे कि नहीं? सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, हाँ, स्पेलिंग, हाँ स्पेलिंग, अंग्रेजी के टीचर तो है नहीं, नहीं गणित के हैं, मान लो स्पेलिंग गलत भी हो गई तो? ठीक है, हाँ अंग्रेजी वाला टीचर सही करेगा। क्या करना है हमें? सोल्यूशन पता करना है, अंग्रेजी सही नहीं करनी। ठीक, तो सोल्यूशन क्या होता है देखते हैं। x प्लस वाई बराबर टू है और 2x प्लस वाई बराबर थ्री है, सपोज ऐसे दिया गया। ठीक है, दो हमें इक्वेशन दी गई, तो हम बहुत पहले सेवन्थ स्टैंडर्ड पे इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे? इसमें दो का मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं करते थे? तो दो का मल्टीप्लाई किया गया तो क्या आया? 2x प्लस 2y बराबर 4। फिर हम लोग क्या करते थे? सब्ट्रैक्ट कर देते थे, ये हो गया ये माइनस वाई बराबर माइनस वन, तो y बराबर क्या आ गया? आप इसको रख दीजिए इसमें, तो x प्लस वन बराबर टू, तो x बराबर टू माइनस वन, तो x बराबर क्या आ गया? x बराबर क्या आ गया? देखिए पहली इक्वेशन देखिए, x प्लस वाई बराबर टू, सोल्यूशन हमारे क्या आया? x बराबर वन और y बराबर वन। आप इसमें रखिए तो वन प्लस वन क्या आया? ये सोल्यूशन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, बोलो। अब आपने लिया 2x प्लस वाई बराबर थ्री, एक्स की वैल्यू यहाँ रखी तो कितना आया? 2। वाई वैल्यू यहाँ रखी तो क्या ये इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं? इसको कर रहे हैं? दोनों को कर रहे हैं? बोलो, जो सोल्यूशन आए वो दोनों को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलिए। अगर आपने यहीं पर x माइनस वाई बराबर फोर ले लिया, इसको कर रहे हैं? बोलो, तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इस सिस्टम का ये पार्ट है या नहीं? बोलो भाई। एक पेरेंट्स जा रहे थे, उनके दो बच्चे थे, ठीक है, वो उन बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे, खिला रहे थे। एक सुंदर सा बच्चा, उतना ही गोरा और उतना ही सुंदर, एक और आ गया, उसको वो प्यार करेंगे? बोलो नहीं करेंगे भाई, करेंगे? अनजानों से प्यार करना और बच्चों से खासकर, वो देखिए क्या है चलते हुए, करते हैं कि नहीं करते हैं? वो बोले भाई किसका है ये? जब बोलेंगे मेरा है, बड़ा क्यूट है, और किसका नहीं है तो अगर अवेयर होंगे इन्फॉर्म कर देंगे तो भाई एक बच्चा लापता है, क्या करिए इसको ले जाइए। ठीक है, तो वो जो भी खिलाएंगे पिलाएंगे किसको? अपने बच्चों को या किसी और को भी? हाँ, तो ये इक्वेशन है और सिस्टम आप लीनियर इक्वेशन नहीं, क्यों? क्योंकि ये सोल्यूशन किसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं? इसको और इसको, इसको कर रहे हैं। तो ये यही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो इसके सोल्यूशन है। ठीक है, ये नहीं, क्योंकि ये पार्ट नहीं है। तो जितने भी होंगे, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन होगी, तीन होंगी, चार होंगी, पांच होंगी, जो भी सोल्यूशन आएंगे वो पांचों को सेटिस्फाइड करने चाहिए। जैसे एक क्लास है, क्लास में अगर पांच लोगों की तरह हम बिल्कुल ध्यान ना दें, वो पूछते रहें, उनको बताएं नहीं, और बाकी लोग पढ़ाते रहें, तो एक क्लास प्रॉपर क्लास है नहीं, पार्शियलिटी हो रही। क्लास का मतलब जो भी आ गया है तो अब सबको क्या है बताना, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सबको क्या ध्यान से सुनना होगा और डिस्टर्बेंस नहीं करना होगा। क्लास का मतलब यही, मतलब सिस्टम ऑफ। तो ये सारे लोग जो सिस्टम के पार्ट हैं वो आज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ने आए हैं। अगर मैं इतिहास पढ़ाने लोगों पढ़ेंगे नहीं, बोलो मैं, ये क्लास भी तो है, इतिहास पढ़ाने क्लास है कि नहीं है? हिंदी पढ़ाने लगे नहीं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ने आए हैं? ठीक है, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पार्ट है। ठीक, वो वाले उधर वाले पार्ट नहीं है तो उनको अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अलग कर दिया। ठीक है, वो इस सिस्टम के नहीं है, सुबह वाले सिस्टम के पार्ट थे। ठीक, ओके, तो सोल्यूशन समझ आया कि नहीं? सोल्यूशन वो एक्स या वाई या वेरिएबल की वैल्यूज होंगी जो सारी इक्वेशन को क्या करेंगी? सेटिस्फाइड करें। क्या करेंगी? जैसे यहाँ एग्जाम्पल में वन और वन निकाला, वो इन दो को सेटिस्फाइड करें, तो इसके सोल्यूशन ये हैं और इसके नहीं हैं। अब देखो, जैसे हमने ये ले लिया, इसको इसको, एक्स प्लस वाई बराबर टू और एक्स माइनस वाई बराबर फोर, तो जब हमने सॉल्व किया तो टू एक्स बराबर क्या हो गया? सिक्स, तो एक्स बराबर क्या आया? फिर हमने यहाँ पे रख दिया तो एक्स थ्री प्लस वाई बराबर टू, तो वाई बराबर माइनस वन आया,
आप देखिए y बराबर माइनस वन और x बराबर थ्री को दोनों में रखिए, सेटिस्फाइड कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो अब इस सिस्टम के कौन से सोल्यूशन है, थ्री और माइनस है। कुछ और कोई और अलग स्टूडेंट मिल जाएंगे आपके साथ तो नई क्लास फॉर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नया टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, समझे कि नहीं। तो ये सिस्टम के ये सोल्यूशन है, इस सिस्टम के ये सोल्यूशन, समझ रहे कि नहीं, ओके। तो जो भी सोल्यूशन होंगे वो सारे सिस्टम के सारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने चाहिए, ठीक। यहाँ पे बताइए सोल्यूशन निकले या नहीं निकले, बोलो भाई। आप जैसे कोई इक्वेशन कंसीडर की जाए, एक्स प्लस वाई बराबर टू और थ्री एक्स प्लस थ्री वाई बराबर सिक्स, चलिए करिए। अच्छा, आपने कहा थे छोटे पे क्या किया था, सेवन स्टैंडर्ड, इसका तीन गुना कर दीजिए तो थ्री एक्स प्लस थ्री वाई बराबर क्या आया, फिर प्लस को माइनस 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 कर दिया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये तो क्या है, जीरो बराबर। बताइए जीरो बराबर जीरो होता है या नहीं होता है, जीरो बराबर जीरो नहीं होता है, जीरो इक्वल टू जीरो, ये सही है गलत है, वन इक्वल टू वन, बोलो सही है गलत है, बोलिए भाई। हाँ तो ये ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है ये। तो एक्चुअली हुआ क्या, देखिए हुआ ये कि यहाँ पर x प्लस वाई बराबर टू था और यहाँ थ्री एक्स प्लस वाई बराबर सिक्स था, थ्री कॉमन लेके इसको डिवाइड करते तो ये भी कितना बन जाता, x प्लस वाई बराबर टू बन जाता। तो इन्फॉर्मेशन आपको दो दी गई थी, पर है कितनी, वो एक ही है, कितनी है, एक है, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। और जबकि निकालने कितने अननोन है, दो, इन्फॉर्मेशन कितनी है, एक। जैसे कोई बोल दे कि भाई पल्सर वाला मेरा पर्स उठा के चला गया, पल्सर जिसके पास गाड़ी पल्सर थी, पुलिस वाले उसको पकड़ पाएंगे, बताइए क्यों नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ बहुत सारी पल्सर सर, क्या है, बहुत सारी पल्सर, ठीक है। अगर बोलते थे पल्सर बाइक है रेड कलर की, उसका गाड़ी नंबर ये है, बताइए इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है, क्या है, वहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन सही थी बट सफिशेंट नहीं थी, क्या नहीं थी, पल्सर वाला था बट पल्सर है बहुत सारे हैं। अगर बोला जाए कि यहाँ पर जो भी ब्लू कलर का शर्ट पहने हुए हैं उन्होंने पर्स उड़ाया है, नीले कलर वाले, बताइए तो कोई एक है या बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे, ठीक है। उसने बोला इस नाम के, इस आधार कार्ड के, तो एक होगा, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन तो सही है बट क्या है, कम है, क्या है, कम है। तो इसके सोल्यूशन यूनिक निकलेंगे कि बहुत सारे, बहुत, क्या निकलेंगे, कम निकलेंगे ज़्यादा, बोलो। मैंने बोला पल्सर वाला ले गया तो एक है कि काफ़ी सारे, अब जितने अगर यही इस एरिया में हुआ है तो अब जो भी चेकिंग लगाई जाएगी तो जो भी पल्सर लेके घूम रहा होगा सबको रोक दिया जाएगा, रोका जाएगा नहीं, पूछता जरूर होगी। अगर कोई बहुत ही ऑनेस्ट बंदा है तो वो बोलेगा भाई क्यों रोका गया, तो वो बोलेगा आप कॉपरेट करिए, अभी इन्फॉर्मेशन आई है कि पल्सर वाले बाइक ने कुछ ऐसा किया है, तो आप बस चेक करवा दीजिए फॉर्मेलिटी या अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करवा दीजिए, कोई दिक्कत होगी तो हम आपको फ़ोन कर सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन एक ही रहेगी तो कैसे करेंगे हम लोग, एक्स प्लस वाई बराबर टू है, वाई बराबर टू माइनस एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लें तो वाई बराबर टू माइनस एक्स मान लिया। अब एक्स की वैल्यू हमने जीरो रखी तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, टू, बोलिए आएगी नहीं। एक्स की वैल्यू वन रखी तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, वन। एक्स की वैल्यू टू रखी तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए ये एक सोल्यूशन आया जीरो कामा टू, एक आया वन कामा वन, एक टू कामा जीरो, ऐसे ही एक्स की वैल्यू थ्री रखें तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, आएगी ना। देखो जीरो कामा टू इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, वन कामा वन, टू कामा जीरो, थ्री, अगर थ्री रखने पे क्या आएगा, माइनस वन, तो एक आएंगे बहुत सारे आएंगे। हाँ तो जब इन्फॉर्मेशन सही है बट कम है तो मैनी सोल्यूशन, क्या ऐसे आएंगे, और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट है उतनी है जितनी चाहिए तो क्या, यूनिक सोल्यूशन, कैसे आएंगे, बात को नोट करते हैं, नहीं आगे जाएगी बात। सोल्यूशन आए यूनिक आए, मतलब इकलौते एक ही हैं, इकलौते क्या हैं, बोलिए। जैसे आपने कहा कि मुझे पेरेंट्स की डिमांड है, किसकी डिमांड है, पेरेंट्स की, तो बहुत सारे सोल्यूशन है या यूनिक, बोलो दुनिया में आपके पास इसके क्या है, बहुत सारे सोल्यूशन है, यूनिक हैं, बोलो। आपने बोला कि बस हमारी केयर करने वाला मुझे चाहिए, एक है, बहुत सारे सोल्यूशन, बहुत सारे मिल जाएंगे, केयर करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, बट पेरेंट्स एक, ठीक है, समझे ना, ओके। अब एक डिमांड आपकी और हो सकती है,
एक ऐसा मुझे पर्सन या ऐसा केयर करना चाहिए जो मेरी सारी डिमांड पूरी कर पाए, चांद पे जाना चाहे वो भी कर दे, ठीक है, दुनिया को जीतना चाहे वो भी कर दे। बताइए डिमांड पॉसिबल है या नहीं, बोलो है पॉसिबल। तो इसके सोल्यूशन होंगे, नो सोल्यूशन, क्या हो जाएंगे, ठीक है, समझे कि नहीं, ठीक है। जब हमने दो सर टू टाइम्स किया तो 2x प्लस 4y बराबर कितने आए, ये भी आ गया। तो जब आप घटाएंगे तो 0 बराबर 0 आ गया, तो कितने सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने लिया 2x प्लस 3y बराबर 2, वो आपने लिया 8x 12y बराबर 8, क्या हो गया, बोलो क्या आएंगे इसके, बताओ भाई, अभी दोबारा मैंने सोल्यूशन आ जाएंगे ना, ठीक। तो आपने 2 टाइम्स किया कितना आएगा, 2x माइनस 6y बराबर 8, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो कितना आएगा, देखो ये 0 हो गया, ये भी कट गया क्या, तो 0 आ गया, ये कितना आया माइनस 3, है क्यों, ठीक है। तो हमारे ऑफिस में दो बंदे हमारे पास आए, ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारी चोरी की है, दो पर्सन मावला क्लास में आए, उन्होंने क्या क्लेम किया कि चोरी हुई हमारी, और जो पर्सन थे वो यहीं के हैं, पर्सन क्या हैं, क्योंकि यहीं पे आए थे, वो हमने देखा है, एश्योर है, ठीक है। तो मावला क्लासेस में ऐसा हो सकता है, मगर वो क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या किया गया, वो लोग दोनों लोग इसी बात पे अड़े हुए, तो उनको क्या किया, उनको अलग अलग बुलाया गया, क्या कर दिया गया, उनको अलग अलग दो ऑफिस में या अलग अलग बुलाया गया, एक से पूछा गया, चलिए मान लेते चोरी हुई, ठीक है, वो कैसा था, क्या पहने हुए था, उन्होंने कहा कि वो लड़का था और वो रेड कलर का शर्ट पहने हुए था, ठीक है, मैंने देखा है, ओके। दूसरे से बात की, उसने कहा वो लड़का था वो वाइट कलर की शर्ट पहने हुए था, एक ने क्या बोला, जब कपड़े या किसी बात बोली गई तो उन्होंने कहा एक ने क्या बोला, तो उससे पूछा गया आप एश्योर हैं, उसने कहा हाँ वाइट कलर की शर्ट पहने हुए था, दूसरा क्या बोल रहा है रेड कलर की, बताइए चोरी हुई या नहीं हुई, क्या बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है नहीं, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन क्या कर रही है, कंट्राडिक्ट, क्या कर रही है। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई माइनस 3 0 बराबर होगा, ये कंट्राडिक्शन है कि नहीं, इसका मतलब नहीं है, 0 माइनस 3 बराबर होता है, बोलो ऐसी जगह पर आप जहाँ पर माइनस 3 को 0 बराबर रखा जाता है वहाँ पर आप रहोगे, बोलो बताइए, बात है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, कंट्राडिक्ट, नो सोल्यूशन निकल गए, ऐसे सिस्टम के सोल्यूशन नहीं निकल गए, ठीक है, ठीक, समझे कि नहीं। तो जब भी कोई मर्डर या ऐसा कुछ केस घटता है तो जितने भी कन्विक्ट होते हैं या उनके आसपास वाले, उनके जो इंट्रोग्रेशन होता है, बयान दर्ज किया जाते हैं साथ साथ, किए अलग अलग, बोलिए अलग अलग, ठीक है, टाइमिंग नोट की जाती है सब कुछ, अगर जैसी वैरी हुआ उनके स्टेटमेंट में क्या थोड़ा सा वेरिएशन आया, कंट्राडिक्शन होने लगा, ठीक है, इंट्रोगेशन और हाई, टॉर्चर कर दिया जाता धीमे धीमे, ठीक है, हैं, समझे कि नहीं। एक ने बोला कि मैंने खाना, हम लोगों ने खाना खाया था घर पे, एक ने बोल दिया होटल में, ठीक, तो अब क्या है, टाइट कर दिया कि मतलब कहीं ना कहीं क्या है भाई, 5 लोगों ने घर पे खाना खाया तो होटल के वाले की बात बोलेंगे वो, इसका नहीं, कहीं ना कहीं प्लान करके बोल रहे हैं, बना रहे हैं वो बात को, क्या कर रहे हैं, अब बनाएंगे तो अब कैसी बनाई बात, वाकई हो जाएगी नहीं, हाँ तो सोल्यूशन निकलेंगे नहीं निकलेंगे समझ में आएगा कि नहीं। तो हमने अब हम लोग कंक्लूड करते हैं, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन की जब बात की गई तो यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट, मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। अभी हमने बहुत ही बेसिक से एग्जांपल लिए जहाँ पे हमने मैट्रिक्स का बिल्कुल यूज़ नहीं किया, क्या यूज़ मैट्रिक्स का नहीं, सेवन्थ लेवल पे स्टैंडर्ड पे जो हमने पढ़ाया गया था, ठीक है, उसी मेथड से हमने आइडेंटिफाई किया
कि यूनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस कैसे निकल के आते हैं और नो सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो हमने देखे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के तीन टाइप के सॉल्यूशंस होंगे, या तो यूनिक होंगे इकलौते, इसके अलावा कोई और नहीं होगा, मैनी सॉल्यूशंस होंगे या नो सॉल्यूशंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन है या नहीं है बताइए, ऐसे सिस्टम के सॉल्यूशन है या नहीं है, बोलो। आपको पेन चाहिए तो बताइए, पेन का यूनिक मेथड है कि पेन आपको खरीदना है, एक एक ही जगह है या बहुत सारी हो सकती हैं, मैनी सॉल्यूशंस है बहुत सारे। आपने बोला कि पेन मिले ही नहीं, ठीक है, वो दुकान से हमने लिया ही नहीं, तो ऐसा कोई रिप्लाई होगा, बहुत सारी शॉप्स हैं, बोलिए हैं। और हमने बोला कि आप पेरेंट्स अपने बुला के लाइए, आप किसी को पकड़ के लाए, मूछे वाले बंदों को लेकर आ गए, बताइए यहाँ पर मैनी होने चाहिए यूनिक, इसकी डिमांड जो रखी थी वो यूनिक था। पेन लाना क्या है, मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, ऐसा पेन जो चले भी आपको उड़ाए भी, हमने बोला ऐसा पेन ढूंढ के लाओ जो हम लोग उड़ना चाहें। हाँ देखो समझ गए, ओपी शर्मा ही कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो यहाँ सॉल्यूशन आए कि नहीं आए, आए मगर बहुत सारे हैं, और यहाँ पर आए एक हैं, तो ये सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं। इन दोनों में क्या है, सिस्टम हैव द सॉल्यूशन, सिस्टम हैव सॉल्यूशन, वेदर यूनिक और मैनी, बट सॉल्यूशन है मतलब वो सॉल्वेबल है, आपने जो डिमांड रखी है वो क्या है, पूरी की जा सकती है, समझे कि नहीं, ठीक। तो इसको बोलेंगे जब सॉल्यूशन होना कंसिस्टेंट, क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन होना या ना होना, बोलिए भाई कंसिस्टेंट का मतलब क्या है। आप देखो नो सॉल्यूशन, इन कंसिस्टेंट, जब भी सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा इसका मतलब सिस्टम के सॉल्यूशन एक भी नहीं होगा, ठीक है। तो वर्ड कौन से यूज करेगा, मैंने बोला अभी आप जैसे कि अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आगे जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो बोलेगा कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है, क्या है, तो इसका मतलब आपको खुद सोचना का पड़ेगा कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट है तो आपको समझना पड़ेगा क्या मतलब है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट का मतलब समझे, हाँ सॉल्यूशन होंगे वेदर यूनिक आर इनफाइनाइट, सॉल्यूशन निकल के आएंगे, और इनकंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए एक और वर्ड, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल, वो सारे वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो आप बाद में जिनको समझ ना पाए, ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक ठीक है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमने कंसीडर की थी, जहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई जेड लिए थे, क्या लिए थे, यानी कि हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज ढूंढ रहे हैं ना, वो सारी वैल्यूज एक्स वाई जेड की जो सिस्टम को सेटिस्फाइड करें, क्या करें, सिस्टम को सेटिस्फाइड, जैसे हम यहाँ आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, बोलिए पढ़ने के लिए, बोलो हम यहाँ क्यों आ रहे हैं, पढ़ने के लिए, बोलिए भाई पढ़ने के लिए, नहीं सिलेक्शन हो, सिलेक्शन नहीं हुआ तो सोल्यूशन निकला सिस्टम का, भाई पूरी साल आते रहे खूब पढ़ते रहे सिलेक्शन ना हुआ, बोलो बोलिए तो सोल्यूशन निकला, बोले घर वाले बोले हल तो नहीं निकला कुछ भी, और जाते रोज है, ठीक समझ आई बात ही नहीं, सिलेक्शन कहीं भी हो गया तो यूनिक है इनफाइनाइट, कहीं भी हो गया, और जहाँ चाहते थे तो चाहत पूरी होना कि इसका मतलब क्या है, यूनिक, ठीक है, खुशी मिल जाए यूनिक नहीं मैनी, खुशी मिलना मैनी तरीके से, ठीक है, चाहत के लिए इकलौता है, ठीक है, और ऐसी डिमांड जो कोई पूरी नहीं कर सकता है तो उसका कोई सोल्यूशन है, आप परेशान होते रहिए, ठीक है। हाँ तो ट्रिवियल, तो एक्स वाई जेड की वहाँ वैल्यू ढूंढ रहे हैं, अगर सॉल्यूशन में x की वैल्यू y की वैल्यू और z की वैल्यू बराबर हो और जीरो हो जाए, क्या हो जाए, मतलब सॉल्यूशन x बराबर जीरो, y बराबर जीरो और z बराबर जीरो आ जाए, ये सॉल्यूशन आ जाए, तो ये क्या है, ट्रिवियल, क्या सॉल्यूशन है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, तीनों की वैल्यूज क्या है, जीरो, ठीक है, अदरवाइज ऐसा ना हो, अदरवाइज
ऐसा ना हो तो क्या होगा, नॉन ट्रिवियल। मतलब ऐसा ना हो तो क्या नहीं होगा, इनमें से कम एक जीरो ना हो, ठीक है, एक ना हो, दो ना हो, तीनों ना हो, तीनों जीरो होंगे क्या है, ट्रिवियल। और ये कब मिलेगा, होमोजीनियस, कब मिलेगा, इन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल इन सब वर्ड्स का, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, इन सारे वर्ड्स का मतलब समझ आया, सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं समझ आया, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब समझ आया, मैनी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन का मतलब समझ आया, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अब कैसे देखेंगे, डिटरमिनेंट का यूज़ करके, इन्हीं बातों को क्या करेंगे, डिटरमिनेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है, वो कंडीशन से आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके सॉल्यूशन हो गए या नहीं होंगे, ठीक। मगर सिंपल टर्म में आप ये समझ पा रहे हैं कि इसका क्या मतलब था, ठीक, ठीक है। तो एक रूल है क्रैमर रूल, क्या है, क्रैमर रूल, ठीक है, इसका यूज़ करके हम लोग सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक। करेंगे कैसे वो देखते हैं हम लोग, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर वन, टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर टू, एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड बराबर थ्री, ठीक है। उसके साथ साथ एग्जाम्पल एक जनरल भी ले रहे हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड बराबर डी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस बोलिए सी टू जेड बराबर डी टू, और ए थ्री एक्स, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई, और सी थ्री जेड बराबर बोलो डी थ्री। तो ये क्या हो गए, ठीक है, हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने जनरल फॉर्म में ले लिया, ठीक है। करेंगे कैसे, यहाँ पर हम लोग डेल्टा वन और डेल्टा टू, डेल्टा थ्री और डेल्टा, इसको आप डी वन डी टू डी थ्री और डी वी से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल डी, मतलब नोटेशन क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, तो डी वन डी टू डी थ्री डी, डी एक्स डी वाई डी जेड ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यूज, डी एक्स डी वाई डी जेड डी, बुक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, मगर तीनों नोटेशन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके, ये नोटेशन है, ठीक, राम भी हो सकता है, रहीम भी हो सकता है, चिंग चौंग भी हो सकता है, नेम है कहाँ पर, कंट्री और भाषा के हिसाब से ना, ठीक। तो यहाँ पे देखिए डी वन कैसे लिया गया वो देखते हैं, एक डिटरमिनेंट है, क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, अगर आप क्रैमर रूल बहुत ही सिंपल है, और मुझे लगता है ट्वेल्थ लेवल अगर पढ़ा होगा और मैट्रिक्स पढ़ी हो, क्रैमर रूल आपको ना पता हो तो मतलब फिर तो माई गॉड है, गणित में फिर ये सबसे ईजी था, ये डी वन बनाते हैं, जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई हैं उसमें हर इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनी हुई डिटरमिनेंट, उसको डी वन बोलते हैं, कैपिटल डी, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनी हुई डिटरमिनेंट, डी वन या कैपिटल डी, हाँ उसको डी नहीं, डी वन नहीं बोलते, कैपिटल डी, कैपिटल डी क्या है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनी हुई, मतलब ए वन बी वन और सी वन, ए टू बी टू और सी टू, ए थ्री बी थ्री और, ये हो गई कैपिटल डी, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेल्टा वन इसके लिए बनाए और डेल्टा बनाते हैं, तो यहाँ डेल्टा क्या होगी, नहीं नहीं हमने बोला ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल भी ले लिया, हाँ तो यहाँ क्या होगा बताइए भाई, क्या होगा, हाँ तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट वन 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 वन, दूसरी इक्वेशन में टू माइनस वन और वन वन टू और, ये हमारा डी या डेल्टा हो गया, आप इसको डी से डिनोट करें या डेल्टा से, ठीक। अब देखिए जैसे डी वन बनाने जा रहे हैं, तो जो जो भी हमारी कोफिशिएंट से बनी हुई डिटरमिनेंट में थी, तो डी वन मतलब एक्स के लिए जा रहे हैं, डी टू मतलब वाई के लिए जा रहे हैं, और डी थ्री मतलब जेड के लिए जा रहे हैं, ठीक है। डेल्टा वन मतलब एक्स के लिए, डेल्टा टू वाई, डेल्टा थ्री, अगर डेल्टा फोर होता तो मतलब चौथा वेरिएबल है, डेल्टा फाइव होता तो पांचवा वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल समझ आए कि कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे, ठीक।
तो डी वन मतलब एक्स के लिए है, तो आप यहां पर पहले वाले कॉलम को रिप्लेस कर दीजिए, इसके स्थान पर इसकी प्लेस के पर कांस्टेंट रख दीजिए, तो कॉलम पहले वाले कॉलम में क्या कर देंगे, डी वन डी टू और बाकी एज इट इज, बी वन बी टू और सी वन सी टू और सी थ्री। जैसे डी टू को लिखते हैं, डी टू किसके लिए यूज हो रहा है, बोलो y के लिए, और d3 z के लिए, तो d2 y के लिए यूज हो रहा है, तो कौन सा वाला रिप्लेस होगा, पहला दूसरा तीसरा, बोलो दूसरा या तीसरा, हैं दूसरा, इसकी जगह पे कौन आएगा, ये वाले d1 d2 और बाकी ऐसे रहेंगे, तो a1 a2 और a3, यहाँ पर d1 d2 और यहाँ पर c1 c2 और c3, ओके। अगर जैसे d3 के लिए, तो अब z के लिए है, तो कौन सा रिप्लेस होगा बताइए भाई, थर्ड वाला ना, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसके लिए कौन सा होगा थर्ड, मतलब ये या ये या ये, हाँ सी मतलब ये वाले थर्ड वाला, इसकी जगह क्या आ जाएगा, हाँ डी, बाकी ऐसे रहेंगे तो हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जैसे कि पहला डेल्टा वन निकालना होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाँ मतलब ये नहीं आएंगे, ये आए वन टू वन टू थ्री, बाकी वन माइनस वन और टू, वन वन और यहाँ पे ये तो यही रहेगा, वन टू वन ये ही रहेगा, यही ये रहेगा, वन वन और अब वन माइनस वन और टू की जगह क्या आ जाएगा, हाँ इसकी जगह कांस्टेंट वन टू, डेल्टा थ्री की जगह इसकी जगह कुछ भी रिप्लेसमेंट होगा, बाकी वैसे ही, तो वन टू वन, वन माइनस वन टू इसकी जगह पे वन टू थ्री, ठीक है। तो हमने डी वन डी टू डी थ्री और कैपिटल डी या डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री डेल्टा या डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डी एक्स डी वाई डी जेड डी ये सारे निकाल लिए, बोलो कोई दिक्कत, इतना कर लेंगे। अब आपको सोल्यूशन फाइंड करने हैं, सोल्यूशन क्या होंगे, सोल्यूशन में आपको बताइए कि सोल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, सोल्यूशन होंगे तो बोलो, होंगे तो बताइए भाई, हाँ सोल्यूशन जैसे होंगे तो यूनिक या मैन, ठीक है। तो सोल्यूशन पहले होना और ना होना पहले ये बात है वो, फिर होंगे तो हाँ वो फर्दर है उससे आगे वाली बात, ठीक। तो हम लोग पहले डेल्टा की वैल्यू को चेक करेंगे, मतलब जो डिटरमिनेंट आई उसकी वैल्यू पहले निकालिए, निकालिए सॉल्व करिए उसको डिटरमिनेंट, ये इसको बोल रहे हैं रो, क्या बोल रहे हैं, तो हम लोग इधर बढ़ेंगे, सबसे पहले इसको लेंगे, ये प्लस होगा ये माइनस ये प्लस, ठीक। इसको यहाँ लिख लिया, एक ब्रैकेट लगाया, इसको हम लोग मन में अपने मन में हटा देते हैं, इसको इस रो को इस कॉलम को हटा दिए, तो ये हटाया ये हटाया तो ये बचा। अब क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा कितना आएगा, माइनस वन का वन में माइनस वन, ठीक है। फिर इसका इसमें करेंगे माइनस लगा देंगे, कितना हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे माइनस वन आएगा, ये गया और ये गया, देखो मन में ये चला गया, कि क्या बचा ये वही करो, फिर क्या होगा, किसका किसमें गुणा, हाँ टू का इसमें कितना टू आ गया, इसका इसमें फिर आगे बढ़ें प्लस के साथ। अब बताओ कौन कौन चला जाएगा, वन यहाँ पे आए तो क्या ये चला गया हाँ फोर प्लस या माइनस, हाँ प्लस वन, तो आ रहा घड़ी तुम्हें आ रही, हो गया तुम्हारा काम, नाम क्या तुम्हारा, बस भाई तो होने नहीं चाहिए, भाई होता माइनस थ्री और क्या माइनस वन और प्लस फाइव, कितना आया वन, नहीं आया आ? ये प्लस वन ना, यहाँ पे माइनस वन, हाँ तो वो चलो क्या आएगा यहाँ, फिर ये प्लस थ्री
हाँ अरे हो जाए तो ठीक है। बोले कह नहीं गया मतलब अभी अभी क्यों नहीं बताया अभी तक हाँ। अरे रिकॉर्ड रिकॉर्ड क्या हो रहा है, जिसको पढ़ना हो वैसे पढ़े ठीक है। चैनल हमारा है दोबारा करें हम हाँ बताओ अब तो ये बन लेंगे, यहाँ थोड़ा गलत हो गया था, ये गया अब क्या आएगा, हाँ माइनस माइनस वन हो गया फिर हाँ बस फिर हाँ फिर ये क्या ही हाँ फिर नहीं चला गया ना हाँ वो एक्चुअली क्या है तुम्हें आता है और तुमने कहा अभी बोल दे कि क्यों है अगले ऐसा है कि नहीं हाँ मैं जान रहा था ठीक है बेटा। क्या गोरखपुर के हो ना, गोरखनाथ बहुत घूमे हैं सिटी मॉल जहाँ बैग नहीं रखने दिया जाता है ना समझे, आदमी को लगता है कि दिन भर यहाँ रहते हैं रात भर हम कहाँ रहते हैं ठीक है। चलिए वो ऐसा एक मॉल है जहाँ पे साला मूवी देखने जाओ बैग नहीं रखने देते ना, अभी भी ऐसा ही है हाँ, मतलब मूवी देखने जाते हो साले तुम्हें सात कितनी आई भाई सेवन ठीक है। तो अभी आज डिसाइड करेंगे, सात आए आठ आए दस आए पंद्रह आए बीस आए इससे मतलब नहीं है, दो बातों को ध्यान रखें, जीरो आए या जीरो नहीं आए, किस बात को ध्यान रखेंगे, जीरो आए और जीरो नहीं आए, तो जीरो आया या नहीं आया, नहीं आया ठीक है, तो जीरो नहीं आया ठीक, तो ये अच्छा है या बुरा है, जीरो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताइए, बोलो बोलो हाँ। मैट्रिक्स में हम लोग रैंक निकाली तब भी जीरो आने से हमें हेडक होती थी या नहीं होती थी, हाँ क्यों आगे बढ़ना पड़ता है, कल हम लोग क्या कर रहे हैं जीरो आने से आगे बढ़ना पड़ रहा है और जीरो नहीं आया डिसाइड हो गया हाँ, तो यहाँ मैट्रिक्स में जीरो ना आए वो आया अच्छा है, तो जीरो नहीं आया तो इसका मतलब सोल्यूशन यूनिक हो गए, क्या हो गए, और जीरो आ गया मैनी नहीं झंझट और बढ़ गई, वो हम अभी दिखाएंगे ठीक है, और आगे जाना पड़ता है फिर ठीक। क्रैमर रूल में जैसे हमने अभी यहाँ पर इंट्रोडक्शन कराया है कि डी वन डी टू डी थ्री और डी, तो ये पता है ना डी वन डी टू डी थ्री और डी कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, कैसे डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, समझ में आया कि नहीं, बोलिए हाँ या ना हाँ। तो डी को ध्यान देंगे, डी अब दो वैल्यू उसकी हो सकती हैं, जीरो ना हो और जीरो हो, इस डी की वैल्यू दो हो सकती हैं, या तो जीरो होगी या जीरो, जैसे अभी इस एग्जांपल में सात आई थी, क्या आई थी, तो जीरो थी या नहीं थी, हाँ जैसे वैल्यू डी की जीरो नहीं है यूनिक सॉल्यूशन, डी की वैल्यू जीरो नहीं है मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यानी एक्स वाई जेड की इकलौती वैल्यू मिलेंगी, क्या मिलेंगी उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जैसे कि एमसीएम मावला क्लासेस यूनिक सॉल्यूशन है क्या है इसके, मैनी सॉल्यूशन, क्यों नो सॉल्यूशन, बोलो यूनिक है या मैनी, ठीक अब नहीं होगा तो बना देंगे ठीक। अब जीरो आया तो यहां पर डाउट वाली स्थिति आ गई, जीरो आने पर दो ब्रांच और बढ़ गई, जीरो आने पर मैनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, लिख लीजिए। अभी हम इतने इस लेवल तक पहुंचे हैं, यानी हमने इन्फॉर्मेशन जितनी अभी की कलेक्ट की और जितना सीखा है उससे हम इतना प्रेडिक्ट कर पाए, उससे आगे नहीं बढ़े अभी ठीक। जीरो नहीं आया सीधे क्या तबाक से आप बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम में डिटरमिनेंट डी की वैल्यू जीरो नहीं आई
आप D1, D2, D3 को ना निकालें, बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना है, आप क्या बोल दोगे, सॉल्यूशन कैसे हैं, यूनिक। ठीक है, ठीक है। तो हमें हमें यहाँ पूछा गया कि यूनिक है या नहीं है, बस ये मतलब क्वेश्चन सपोज ये पूछा जाता है यूनिक है या नहीं है, इतना पूछना है। तो हम लोग को क्या करना है, D1 निकालना है, D2 निकालना है, D3 निकालना है, कुछ भी नहीं निकालना, कुछ निकालना है, बोलो क्या, हाँ D निकालना है। D मतलब कोफिशिएंट से बनी हुई डिटरमिनेंट XYZ, तो यहाँ पे क्या है 1 2 3, यहाँ पे 1 -1 1, यहाँ पे 2 4 6। तो देखिए ध्यान दें, ऑब्जर्व करें कि अगर हमें दो कॉमन ले लें, क्या कॉमन लें, इस रो में से 2 कॉमन ले लें, बाहर ले लिया, तो यहाँ 1 2 3 आया, 1 -1 आया, और यहाँ 1 2 3। तो अगर कोई दो रो, एनी टू कॉलम आइडेंटिकल है, सेम है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। कभी भी कोई भी डिटरमिनेंट में अगर रो कॉलम सेम है तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है, जीरो। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है तो यूनिक है या नहीं है, बोलो भाई। हमने बोला जीरो, जीरो से में दिक्कत है कि जीरो ना हो तब दिक्कत है, जीरो ना हो ना, तो जीरो हो गया, हाँ दिक्कत है, मतलब नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन, इसके यूनिक सॉल्यूशन नहीं। अब मैनी है या नहीं है उससे मतलब नहीं, यूनिक सॉल्यूशन इसके नहीं होंगे। ठीक है, बताइए, इस सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इतनी बात तो आप आराम से बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। हाँ, तो यूनिक सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने हो तो क्रैमर रूल इसके लिए बहुत बेहतर है, मगर जब आगे बढ़ना होता है तो दिक्कत आती है। ठीक है, अब हम लोग बाकी केस को भी डिस्कस कर दें या ना करें, बोलो है, आप तो डिसाइड नहीं करोगे, करना है ही हमें। ठीक है, आपको पढ़ना भी है, तो देखिए अब, तो पहला हमने सीखा यूनिक सॉल्यूशन, क्या सीखा, तो यूनिक सॉल्यूशन में इफ डी नॉन जीरो, क्या हो, डी नॉन जीरो, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब वो सॉल्यूशन आएंगे ऐसे, सॉल्यूशन आर या सॉल्यूशन इज गिवन बाय, मतलब सॉल्यूशन निकालने हो, ये पता लगेगा यूनिक है। अब क्या होंगे, तो एक्स की वैल्यू होगी D1/D से, मतलब D1 और D की वैल्यू निकाले, रेशियो कर दो, Y की वैल्यू D2/D से, और Z की वैल्यू D3/D से, इनका जो रेशियो निकालोगे, अब वैल्यू अगर निकालनी है XYZ तो D1, D2, D3 भी निकालना पड़ेगा, जो भी रेशियो अनुपात आएगा निकाल पाओगे नहीं, बोलिए, वैल्यू बस निकालनी, डिटरमिनेंट सॉल्व करना सीख गए थे। ठीक है, अब D0 है, क्या है के सेकेंड में, D0 है, तो अब दो ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी, हमने बोला कि नो सॉल्यूशन वाली है, और कौन सा, मैनी सॉल्यूशन वाली है। ठीक है, तो मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन वाली है, तो अब हम लोग D0 हो गया, तो अब कौन बताएगा हमें, बोलो कौन बताएगा भाई, D तो 0 हो चुका है, अभी क्लियर हुआ, बोलो अभी क्लियर हुआ, बताइए भाई, भाई चंद्रेश जी से आपने बात की, कोई बात क्लियर नहीं हो पाई, तो क्या सोल्यूशन आपको मिल गया, और भैया बैठे थे आशीष सर थे, उनसे बात की आपने, उनसे भी कुछ नहीं अभी क्लियर हो पाया, और भैया किसी और से पूछा आपने, क्लियर नहीं हो पाया, तो बताइए सोल्यूशन अब निकला कि नहीं निकला, कब तक नहीं मानेंगे, हाँ ठीक है, फॉर्म से मिल लिया, मैंने बोला ठीक है आ जाओ, तो आप कोई रोकेगा, आप बोलोगे कि मेरे पास ओके हो चुका है, ठीक है आप मेरा एडमिशन करिए, ठीक है, समझ आई बात कि नहीं, हाँ तो आप डी से तो उम्मीद चली गई, अब किसके पास जाएंगे, D1 और D2 और D3, हम D1, D2, D3, अब यहाँ पर एक है कि तीन है, तीन से निपटना है, जीरो से होने से समस्या है, जीरो ना होने से,
बोलो, उन्हें समस्या है। आपने डीमन चेक किया, जीरो आ गया, तो बताइए रुक जाएंगे आगे बढ़े? आगे बढ़िए। डी टू चेक किया, वो भी क्या जीरो हो गया, क्या आगे बढ़िए। डी थ्री चेक किया, वो भी जीरो हो गया। जैसा कि अभी हम लोग क्रैमर रूल्स की हेल्प से सोल्यूशन निकाल रहे हैं, एक सिस्टम हमने कंसीडर किया, लीनियर इक्वेशन है, नॉन होमोजेनियस है होमोजेनियस, दीज आर होमोजेनियस है नॉन होमोजेनियस। बताइए भाई, बताइए कांस्टेंट की वैल्यू जीरो है नॉन जीरो है? हाँ जीरो नहीं है तो नॉन होमोजेनियस, जीरो होती तो अगर ऐसा होता x प्लस टू वाई माइनस जेड बराबर जीरो, थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस टू जेड बराबर जीरो, सेवन एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड बराबर जीरो। देखिए हमने बोला कि बार बार इसलिए पूछ रहे हैं कि हो सकता है जो हम मेथड आपको बताएं आप उस इस पे अप्लाई कर रहे हो तो ये गलत हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं? क्योंकि असाइनमेंट में दिया होगा तो आप इस पे अप्लाई करोगे, ये नॉन होमोजीनियस होमोजीनियस है। हाँ तो जो भी है मेथड बताया वो नॉन होमोजीनियस के लिए बताया। क्या बताया? नॉन होमोजीनियस बना चल रहा है, ठीक है, मतलब नॉन होमोजीनियस। जो भी अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या हमने रिमाइंड नहीं किया, जो भी है हमने अभी बताया नहीं, तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए हम जो चीज़ें सीख रहे हैं, हैं? हाँ ठीक है, ठीक ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डी निकालना। क्या निकालना है सबसे पहले? डी निकालना। डी मतलब कोफिशिएंट से बनी हुई डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा? वन टू माइनस वन, यहाँ क्या आएगा? थ्री माइनस टू और टू, यहाँ पे सेवन माइनस टू और थ्री, ठीक है। डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालें, यहाँ वन गया, माइनस सिक्स प्लस फोर आया, माइनस टू, ये गया नाइन, माइनस फोर्टीन आया, और माइनस वन, ये गया माइनस सिक्स प्लस फोर्टीन ना, कोई क्या दिक्कत हुई? हाँ माइनस टू, ये कितना आया? माइनस फाइव प्लस टेन ना, और ये कितना आया? एट, प्लस का कि माइनस का है? माइनस का है, टेन माइनस टेन क्या हो गया? ज़ीरो। खतरा है या नहीं है? अगर नॉन ज़ीरो हो जाता तो क्या हो जाता? यूनिक। अगर वैल्यू ज़ीरो नहीं आती तो यहीं से हम लोग डिसाइड करते थे कि सोल्यूशन कैसे है यूनिक। ज़ीरो आ गया तो अब क्या है, रुकना है या भीड़ तुम बढ़े चलो? हाँ आगे बढ़िए। अब डी वन डी टू और डी थ्री पे जाए, बोलिए। हाँ तो डी वन पे गए, डी वन मतलब जो भी पहला कॉलम है उसको रिप्लेस कर दीजिए, तो वन टू फाइव, टू माइनस टू और माइनस टू, माइनस वन टू थ्री, जो भी हमने यहाँ पे निकाला था यहाँ पर जो भी एंट्रीज यहाँ हैं या तो रिप्लेस कर दीजिए या निकाल लीजिए फटाफट। तो वन माइनस सिक्स प्लस फोर माइनस टू, ये गया और ये गया, सिक्स और माइनस टेन माइनस वन, ये गया माइनस फोर और प्लस टेन, देखिए कितना आया? माइनस टू, कितना आया? प्लस एट, और कितना आया बोले? प्लस का या माइनस का? माइनस। क्या आया? ज़ीरो आ गया। भीड़ तुम बढ़े चलो या रुक जाओ? बड़े चलो। फिर अब क्या निकालें? डी टू निकालें, डी टू निकालेंगे, वो भी जीरो आ जाएगा, सॉल्व करके जीरो आ गया। बताइए खतरा है या आगे बढ़े? फिर तुम बड़े चलो। क्या निकालें? डी थ्री, वो भी जीरो आ गया। अब बताइए बड़े चले या अब रुकना है? हाँ रुकना है। डी जीरो आया, डी वन डी टू डी थ्री भी क्या आ गया? सोल्यूशन है या नहीं है? मैनी सोल्यूशन क्या आ गए? सिस्टम के मैनी सोल्यूशन, एक से ज़्यादा सोल्यूशन हैं, ठीक। समझाई बात की नहीं? तो टॉपिक के एंड में, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने बार बार फिर से बोला है कि जब भी टॉपिक एंड होता है तो क्वेश्चंस पहले दिया करते थे, वैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे दिए जाए। तो हमने यहाँ पे पांच क्वेश्चंस को कंसीडर किया है, जो भी कॉन्सेप्ट बताया है इन पाँचों क्वेश्चंस पे आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, प्रैक्टिस के लिए है। आप क्रैमर रूल लगा सकते हैं और उससे आप आइडेंटिफाई करिए सोल्यूशन यूनिक है या नहीं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए। उसके आंसर्स भी आप दीजिए और अब बताइए कि क्वेश्चंस इतने और किस लेवल पे दिए जाएं। जिनको भी इस टाइप का कोई फीडबैक या ऐसा कोई प्रॉब्लम है वो बता सकता है।